आज हमारे स्कूल डीएवी पंडरीपानी में गांधी जयंती सेलिब्रेट किया गया। आप इस ब्लॉग में देखेंगे कि हमारे बच्चों ने किस तरीके से गांधी जयंती सेलिब्रेट किया है। बहुत ही प्यारे प्यारे उन्होंने मैसेज देने की कोशिश किए हैं, तो इस ब्लॉग को पूरा जरूर देखिएगा। स्वच्छता अभियान को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही प्यारी सी रैली निकाली गई थी, जिसके द्वारा गाँव के लोगों को एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया। गाँव में ही गांधी जी की एक प्रतिमा है, जहां हमारे स्कूल के बच्चे जा करके वहां साफ सफाई किए और गांव के लोगों को स्वच्छता को लेकर के जागरूक रहने के लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गया। तो चलिए इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप किए आखिरी तक जरूर देखिएगा। जीवन ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, और सीखो ऐसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। सीखो ऐसे कि तुम हमेशा के लिए जीने वाले हो। And now for next, I would like to call on stage Kumkum Das from class 9 with her song. बच्चों के द्वारा बनाया गया। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दो हमें आजादी बिना फिर कभी ना जा। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। वो गांधी थे। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षक गण और मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा नाम यशवंती नायक है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद और माता का नाम पुतलीबाई था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर, माध्यमिक शिक्षा राजकोट व आगे वकालत की पढ़ाई इंग्लैंड। बचपन से ही वे पढ़ाई लिखाई में उतने तेज नहीं थे। उन्हें गणित, भूगोल ये सब उतने ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आती रहती थी। फिर भी उनके लिखावट उतने सुंदर भी नहीं थी, पर वो अंग्रेजी में, इंग्लिश सब्जेक्ट में काफी अच्छे होनहारे स्टूडेंट थे। हमारा पूरा देश महात्मा गांधी की जयंती पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दे रहा है, आज़ादी में उनके संघर्ष को याद कर रहा है। हम सब भी यहाँ पे गांधी जयंती के अति महत्वपूर्ण दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए हैं। महात्मा गांधी का हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश निरंतर अहिंसा के मार्ग पर चलना था। Good morning to all. My name is Ronak Pota. I study in class 2. Bura mat suno. Don't listen bad. Thank you. Good morning to all. My name is Anokhi Das. I study in class 3. Bura mat dekho. Don't see bad. Thank you. Good. Good morning to all. My name is Astha. I study in class 2. Bura mat bolo. Don't speak bad. Thank you. Very good. And my dear friends, good morning to all. I am Bipin. I am Rahul. From class 11. Today we would like to say about our father of the nation, Mahatma Gandhi's three monkey. हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के तीन बंदर, उनके तीन रहस्यमय सिद्धांत के बारे में बताते हैं। पहला, हियर नो एविल, बुरा मत सुनो। पहला बंदर जो अपने कानों को हाथों से बंद किए क्या हुआ है, वह हमें यह सिखाता है कि अगर आपसे कोई किसी के बारे में बुरी बातें बोलता है तो प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट नहीं करना चाहिए, अपने बुद्धि से सही या गलत का निर्णय करना चाहिए। सेकेंड, सी नो एविल, बुरा मत देखो। दूसरा बंदर अपने आंखों को दोनों हाथों से बंद किया हुआ है, वह हमें यह बताता है कि
हर इंसान में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों हैं, लेकिन हमें अच्छाइयों को देखना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए, ना कि बुराइयों को। कहते हैं ना कि हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं, फिर बुराई भी हमें सामान्य नज़र आने लगती है, इसलिए बुराई ना देखने में ही भलाई है। ऐसी बातें जो आपको नुकसान पहुँचाती हैं। थर्ड, नो स्पीक एविल, बुरा मत बोलो। तीसरा बंदर जो अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को बंद किया हुआ है, वह हमें यह बताता है कि किसी से भी हमें ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए जो सुनने वाले की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। हमेशा अपनी बातों को सही ढंग से उचित शब्दों के साथ व्यक्त करना चाहिए। महात्मा गांधी के तीन विचारों को दर्शाने वाले ये बंदर बताते हैं कि हर व्यक्ति को बुराई से दूर रहना चाहिए, न बुरा सुनना चाहिए और न बुरा देखना चाहिए और न बुरा बोलना चाहिए। राष्ट्रपिता के इन विचारों का वैज्ञानिक आधार भी है, जो बताता है कि गलत विचार सुनने, देखने और बोलने से किसी तरह हमारी शारीरिक सेहत पर भी ध्यान असर पड़ता है। तो हमें इन तीनों सिद्धांत, जो गांधी जी के तीनों सिद्धांत का पालन करना है और हमें अच्छी मार्ग पर जाना है। थैंक यू। भारत माँ को गुलामी के जंजीरों से मुक्त करे। आजादी दिए हमारे प्यारे बापू जी को हम बचा नहीं सके, महात्मा जी अब स्मारक बने हो, लेकिन उनकी विचारधारा केवल भाषण के लिए सीमित रह गई है। हमारे देश के लिए स्वतंत्रता कितनी जरूरी है, उतनी जरूरी है स्वच्छता। हमारे देश की नदियाँ, तालाब, घर, बाहर सब कुछ स्वच्छ होना बहुत जरूरी है। आओ हम सब मिलकर गंदगी दूर करें, देश को स्वच्छ बनाए। सफाई ही सफलता का मंत्र है। रघुपति राघव राजाराम, पतित पावन सीताराम। हम सब मिलकर साकार करें, स्वच्छ भारत का निर्माण करें। भारत में नया पर्व शुरू हुआ है, सब में जागृति आ रही है। दो हजार 2019 में महात्मा गांधी के 150वीं जयंती आ रही है। क्या हम तय करें कि 2019 तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाएंगे? हमारा गांव, हमारा शहर, हमारा गली, हमारा मोहल्ला, हमारे स्कूल, हमारे मंदिर, हमारे अस्पताल, सभी क्षेत्र गंदगी का नाम और निशान नहीं रहने देंगे। स्वच्छ भारत का इरादा, इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा, इरादा कर लिया हमने स्वच्छ भारत का इरादा।
sing a song of Raghupati Raghav Raja Ram. Ram Sita Ram, bhaj pyare tu Sita Ram, Ishwar Allah, tero naam, sab ko sanmati de Bhagwan, Raghupati Raghav Raja Ram, patit paavan. अभी कुछ बच्चों को लेकर के हम लोग गांधी जी की जहां प्रतिमा है वहां सब जा रहे हैं। सपना हर व्यक्ति का एक ही सपना स्वच्छ बने भारत अपना। हर व्यक्ति का एक ही सपना स्वच्छ बने भारत अपना। हर व्यक्ति का एक ही सपना हर व्यक्ति का एक ही सपना स्वच्छ रहे भारत अपना। हर व्यक्ति का एक ही सपना स्वच्छ रहे भारत अपना। तिरंगों का एक सवाई साफ सफाई घर में रखो साफ सफाई सभी लोगों का एक सवाई घर में रखो साफ सफाई सभी लोगों का एक दवाई घर में रखो साफ सफाई। महात्मा गांधी की जय। महात्मा गांधी की जय। एक दो तीन चार गांधी जी की जय। गांधी जी की जय। गांधी जी की जय। हाय सभी लोगों अभी हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ अभी हम लोग साफ सफाई करेंगे। वीडियो है मैम। अभी लगभग साफ सफाई हो गई है यहाँ पे। ये देखो इधर स्वच्छ रहे भारत अपना। सभी रोगों का एक दवाई घर में रखो साफ सफाई। सभी रोगों का एक दवाई घर में रखो साफ सफाई। एक दो तीन चार गांधी जी की जय जयकार। इनको हम बहुत सारे प्रोग्राम के थ्रू आपके समक्ष रखे जिसके द्वारा हम गांधी जी के जीवन के महत्व को आप तक पहुंचाना चाहते थे। आशा करते हैं कि गांधी जी के जीवन के महान कर्मों को सिद्धांतों को आप समझकर अपने जीवन में लागू करेंगे। सो इस डीएवी परिवार की तरफ से आप सभी को गांधी जयंती की ढेरों शुभकामनाएं। धन्यवाद। I hope you like this video. So let us all pledge to follow the path of non-violence and to work for a more peaceful and just world. Thank you so much for watching. Please video ko like जरूर कीजिएगा और जितना हो सके आप लोग share कीजिएगा।